हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिच बैक पॉड। और दोस्तों, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए टीवीएस की तरफ से एक न्यू स्कूटी, जो कि BS6 मॉडल है, जो कि जुपिटर क्लासिक इसको कहते हैं। ये जो मॉडल है 2022 मॉडल है दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हैं, एकदम ब्रांड न्यू मॉडल है। ब्लू कलर में ये जो है बहुत ही दिखने में अच्छा लग रहा है। और आज मैं इसके बारे में आप लोगों को डिटेल रिव्यू करने वाला हूं। इसमें कंपनी ने क्या क्या नया फीचर दिया है, क्या क्या अपडेट किया है, क्या इसका माइलेज कितना देती है, इसका ऑन रोड प्राइस कितना है, सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल में बता देने वाला हूं। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही बाइक रिलेटेड, स्कूटर रिलेटेड आप लोगों को अगर वीडियोस पसंद है तो आप लोग मेरे चैनल रिच बाइक पॉइंट पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही बाइक रिलेटेड, स्कूटर रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख ही सकते हैं, ये जो स्कूटर है बहुत ही अच्छी लुक्स के साथ ये जो स्कूटर है आप लोगों को मिल रहा है, एकदम बहुत ही शानदार लुक के साथ ये जो स्कूटर है आप लोगों को मिल रहा है। और बात करेंगे इसकी इंजन की, तो इसमें आप लोगों को 124.8 सीसी का आप लोगों को सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक एयर कूल यहाँ पर आप लोगों को इंजन मिल जाएगा, जिसकी मैक्स पावर है 8.15 PS का मैक्स पावर मिल जाएगा, जो कि 6500 RPM पर है। और इसकी मैक्स टॉर्क के बारे में बात करें तो इसमें आप लोगों को 10.5 Nm का मैक्स टॉर्क मिल जाएगा, जो कि 4500 RPM पर है। और यहाँ पर आप लोगों को किक और सेल्फ स्टार्ट दोनों का ही ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। अब बात करेंगे इसकी रियर टायर की साइज़ की, तो इसमें आप लोगों को 90/90/12 का यहाँ पर आप लोगों को रियर की टायर की साइज़ मिल जाएगा। और रियर की सस्पेंशन के बारे में बात करें तो इसमें आप लोगों को मोनोटॉप इन्वर्टेड गेट फील शॉक विद स्प्रिंग एट 3-स्टेप एडजस्टेबल यहाँ पर आप लोगों को सस्पेंशन मिल रहा है रियर में। अब दोस्तों बात करेंगे इसकी फ्रंट टायर की साइज़ की, तो फ्रंट टायर की साइज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फ्रंट टायर की साइज़ है 90/90/12 का, यहाँ पर आप लोगों को फ्रंट की टायर की साइज़ यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। और फ्रंट की सस्पेंशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक यहाँ पर आप लोगों को सस्पेंशन आप लोगों को मिल जाएगा फ्रंट में। और यहाँ पर आप लोगों को रिफ्लेक्टर भी मिल रहा है, और दोनों ही जो है आप लोगों को ट्यूबलेस टायर मिल रहा है और सेम साइज़ में आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर आप लोगों को एलॉय व्हील का ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। और फ्रंट की लुक्स आप लोग देख ही सकते हैं, मडगार्ड में बहुत ही अच्छे क्रोम फिनिशिंग यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि दिखने में बहुत ही प्रीमियम लगता है। अब बात करेंगे इसकी हेडलाइट की, तो हेडलाइट आप लोगों को LED में मिल जाएगा और LED DRL यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। और टर्न इंडिकेटर भी आप लोगों को LED में मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही अच्छी एक विंडशील्ड मिल जाएगा, आप लोग देख ही सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे TVS जुपिटर क्लासिक की ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो इसका ऑन रोड प्राइस जो है लगभग 90,000 तक इसका ऑन रोड प्राइस आप लोगों को आ जाएगा। आपके सीटी के हिसाब से कुछ डिफरेंस हो सकता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ग्रैब हैंडल यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है, जो कि पिलियन के लिए और राइडर के लिए भी बहुत ही अच्छा आने वाला है। इसका सीट जो है आप लोग देख सकते हैं बहुत ही कम्फर्टेबल सीट दिया है, बहुत ही स्टाइलिश लुक के साथ यहाँ पर आप लोगों को सीट मिल जाएगा। और यहाँ पर आप लोग चीज़ें वगैरह यहाँ पर कैरी कर सकते हैं, एक हुक मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग चीज़ें वगैरह कैरी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मीटर आप लोगों को एनालॉग सेटअप यहां पर आप लोगों को मिल जाएगा। और इसकी लुकिंग ग्लास आप लोगों को मैं दिखा देता हूं, लुकिंग ग्लास जो है आप लोगों को क्रोम फिनिशिंग के साथ इसका लुकिंग ग्लास जो है आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं इसका लुकिंग ग्लास जो है क्रोम फिनिशिंग के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में, और राउंड शेप में जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसकी स्पेस जो है बहुत ही अच्छी स्पेस दिया है यहां पर कंपनी ने। रियर लुक्स आप लोग देख ही सकते हैं, रियर में टेल लाइट आप लोगों को LED में यहाँ पर आप लोगों को टेल लाइट मिल जाएगा, और टर्न इंडिकेटर भी आप लोगों को LED में मिल जाएगा। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं, इसमें आप लोगों को 5.1 लीटर का यहाँ पर आप लोगों को फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगा फ्यूल इंजेक्शन के साथ। और इसके माइलेज के बारे में बात करते तो माइलेज आप लोगों को 45-50 यहाँ पर आप लोगों को जरूर माइलेज मिलने वाला है। और ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आप लोगों को 163 mm का यहाँ पर आप लोगों को ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा, और 108 kg का यहाँ पर आप लोगों को क्रैप बेड दिखने को मिल जाएगा। दोस्तों आप लोगों को 1 लाख के अंदर आप लोगों को स्कूटी लेना है, तो मेरे ख्याल से ये स्कूटी बहुत ही सही होने वाला है आपके लिए। और दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा मेरा छोटा सा रिव्यू TVS जुपिटर क्लासिक के बारे में, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।